वैष्णव मीडिया प्रभारी नारायण सुमानी ने बताया कि जावत बस स्टैंड स्थित श्री बटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर सावन माह के उपलक्ष्य पर आयोजित महाशिव पुराण कथा के दौरान व्यासपीठ पर विराजित विद्वान पंडित श्री अशोक भारद्वाज ने उपस्थित भक्त जनों की उपस्थिति में कहा, सदियों से भारत नहीं दुनिया में महादेव का मंदिर विराजमान है। समुद्र मंथन में निकलने वाला जहर को भगवान शंकर ने पिया था, इसलिए भोले बाबा को नीलकंठ महादेव नाम से जाना जाता है। 33 कोटि देवताओं में एक भोले बाबा का मंदिर है जो 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहता है। एक लोटा जल व बिलपत्र से भगवान शंकर खुश हो जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन जल अभिषेक करने से परिवार के साथ पितरों को भी शांति मिलती है। कथा के दौरान मन को एकाग्र करके सुनना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा में कभी भी सोना ना आलस करना चाहिए, नहीं तो कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता। जीवन जीने के लिए है, सोने के लिए नहीं। मन लगाना हो तो भगवान के प्रति रखो, जीवन में आनंद उत्पन्न होकर सुखमय होता है। कथा में शिव पार्वती का शुभ विवाह, गणपति जी का जन्म, कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध का प्रसंग बताया गया। भजन गायक कोमल दमामी अठाना ने मधुर भजनों की शानदार प्रस्तुतियां से महिला पुरुष झूम उठे। इस मौके पर योगी युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोमानी, अनुराग बांगड़, सौरभ सोनी, अशोक सोनी, अंशुल चौधरी, कन्हैया लाल लश्कर, ओम प्रकाश जोशी, गौरव सोनी, श्याम सारा, राहुल सोनी आदि महिला पुरुष भक्तजन मौजूद रहे। आरती पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया।